तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। कम समय में मोटी कमाई करने वाली और धमाका करने वाली फिल्म पहली बन चुकी है गदर 2। सनी बाजी सिंगल स्क्रीन के हर थिएटर हाउस में जो तहार मार रहे हैं, बिल्कुल ये फिल्म अभी से नंबर वन ग्रॉसर बनने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। ये दोस्तों हर दिन एक मोटी कमाई अपने खाते में रखकर गदर 2 सच में गदर मचाते नजर आ रही है। लोगों का प्यार सनी बाजी के लिए दिल से निकल रहा है, जनता को मूवी बहुत पसंद आ रही है। इवन दो ताजी फिल्में रिलीज होने के बाद भी, घूमर और कल को ड्रीम गर्ल 2, फिर भी ये फिल्म इन दोनों फिल्मों को सिर्फ टक्कर ही नहीं दे रही है, ना कि इनको खदेड़ रही, बल्कि पूरा खदेड़ते हुए आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहले आज जानेंगे मूवी ने पहले 3 दिन में कितनी कमाई करी थी, मूवी की ग्रोथ कैसी चल रही है, पहले हफ्ते में कितना कमाया है इस फिल्म ने, लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना कर सकती है गदर 2, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी सनी बाजी के डाहाट फैन हैं और गदर 2 का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, गदर को कभी खुला मैदान नहीं मिला। जब भी रिलीज करी गई, अपोनेंट से क्लैश करके रिलीज करी गई थी। जब गदर एक प्रेम कथा आई थी, इसका पहला पार्ट, इस फिल्म ने फिल्म इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और उस टाइम भी एक सॉलिड अपोनेंट के साथ इस मूवी को क्लैश करना पड़ा था और आमिर खान की लगान फिल्म के साथ ओपन करा गया था। लोग तब भी इस फिल्म को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। आफ्टर सक्सेस ऑफ गदर फर्स्ट, वी ऑल नो द रिजल्ट, सेम क्लैशेस अभी भी देखने को मिले, लेकिन इस बार लोगों के दिल में ऑलरेडी पॉजिटिविटी थी गदर 2 को लेकर। इसलिए जितनी भी फिल्म साथ में रिलीज, चाहे OMG 2 हो गई, जेलर हो गई या भोला शंकर हो गई, और हाल फिलहाल में रिलीज आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 हो गई, और घूमर मूवी ही क्यों ना हो गई, सभी को खदेड़ कर ये फिल्म एक मोटी कमाई अपने खाते में रखने में रोज सफल भी हुई और सफल हो भी रही है। साथ में पठान जैसी स्टाइल की जाइंट मूवी को भी खदेड़ते नजर आ रही है। जी दोस्तों, गदर 2 ने बॉलीवुड इतिहास में जो हिस्ट्री क्रिएट करी है, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई करी है आफ्टर पठान इन 2023, अमेजिंग। इस साल की दूसरी सबसे बड़ी हाईएस्ट क्रॉसर मूवी बनकर उभर रही है इस टाइम तक, और ऐसा ही चलता रहा, रोज मोटी कमाई अपने खाते में रखती रही तो कुछ ही दिनों में, आने वाले 4-5 दिनों में, इस साल की नंबर 1 ग्रॉसर मूवी बन जाएगी हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन बॉक्स ऑफिस के मामले में। दोस्तों यह मूवी सिर्फ मूवी नहीं है, एक इमोशन बनकर उभर रही है पूरे भारत में, जो 2001 में हम छोड़कर आ गए थे, अब वो सब दोबारा रिकॉल हो रहा है, रिपीट हो रहा है। वाकई में मूवी गदर 2 एक इमोशन है। लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड रिकॉर्ड्स की बात करने से पहले आपको बता दूं तो गदर 2 गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल है, जिसे 2001 में रिलीज कराया गया था, और इसके लीड में पहली बार सनी पाजी तारा सिंह के रोल में देखने को मिले थे, और एक्शन के मामले में बाप बनकर उभरी थी यह मूवी एट दैट टाइम। तारा सिंह को वही प्यार फिर से मिल रहा है और मूवी में सनी पाजी ने गजब का एक्शन भी करा है, और जो भी थिएटर से बाहर आ रहा है अपनी पुरानी यादें ताजा करके आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों, मूवी को अनिल शर्मा के डायरेक्शन में 100 करोड़ के खर्चे पर बनाया गया था और मूवी को 4000 स्क्रीन पर रिलीज करा गया था, जो अब आते आते 2300 स्क्रीन्स रह गई हैं। अगर आज का अपने 16वें दिन का मैं रिपोर्ट बताऊं तो आपको, जिसने पहले दिन 40 करोड़ से खाता खोलकर पहले 3 दिन में नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 135 करोड़ के आंकड़े को टच किया था बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से। वहीं अपने 4थे दिन में 40 करोड़, 5वें दिन में इंडिपेंडेंस डे का फुल हॉलीडे का फायदा उठा के ऐतिहासिक कमाई 55 करोड़ का कलेक्शन अपने 5वें दिन में करा था। इसी के साथ पहले 5 दिन का टोटल नेट कलेक्शन 234 करोड़ के आंकड़े को टच करा था। पूरी दुनिया से यह आंकड़ा पहले 5 दिन में 300 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर चुका था, और सुपर फास्ट मूवी बनी जिसने बहुत ही कम समय में 300 करोड़ के आंकड़े को टच किया अपने पहले 5 दिन के कलेक्शन के मामले में ही। इसी के साथ 6थे दिन में 32 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम किया, 7वें दिन में 23 करोड़ 80 लाख की कमाई करी, और ऐसे में पहले 7 दिन यानी पहले हफ्ते में नेट कलेक्शन 284 करोड़ होता है नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, और ग्रॉस इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहले हफ्ते का 342 करोड़ के आंकड़े को टच किया, और पूरी दुनिया यानी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहले 7 दिन का 370 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर चुका था। तो पहला वीक तो शानदार तरीके से गदर मचाते हुए बहुत ही ज़बरदस्त कंप्लीट करा गदर 2 ने, और शुरुआती दूसरे हफ्ते की थोड़ी स्लो करी, लाइक 8वें दिन में 18 करोड़, फिर 9वें दिन में थोड़ा सा उछाल मारा, 31 करोड़ 20 लाख की कमाई 9वें दिन में, उसके बाद 10वें दिन में फिर से अपनी वही रफ्तार पकड़ी, वही लय में आती दिखी, और 42 करोड़ की ऐतिहासिक कमाई अपने 10वें दिन में करने में सफल रही, और पहले 10 दिन का नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 378 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर चुका था। इसी के साथ पूरी दुनिया से यह आंकड़ा 490 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका था। वहीं 11वें दिन में 12 करोड़ का होल्ड किया, 12वें दिन में लगभग 11 करोड़ का आंकड़ा पार किया। इसी के साथ 13वें और 14वें दिन में सॉलिड कमाई करते हुए पहले 14 दिन तक 419 करोड़ का नेट इंडियन कलेक्शन कर चुकी थी ये मूवी। इसी के साथ कल्याणी अपने 15वें दिन में एक बार फिर से मोटी कमाई करते हुए 7 करोड़ 80 लाख का होल्ड करा था, और पहले 15 दिन में नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 427 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया था कल एंड ऑफ द डे तक। इसी के साथ दोस्तों, गदर 2 बॉलीवुड हिस्ट्री की नंबर 1 फिल्म बन चुकी है, जिसने बहुत ही कम समय में 100 करोड़ पार
पार किए, 200 करोड़ पार किए, 300 करोड़ पार किए, 400 करोड़ के, 500 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी, और आने वाले दो ही दिन में या फिर तीन ही दिन में ये मूवी 600 करोड़ के क्लब में एंट्री भी मार लेगी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। लेकिन वहीं बात करें आज यानी डे 16 के बॉक्स ऑफिस सिनेरियो की, तो यस आज भी मॉर्निंग से ही अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी रेट देखने को मिल रहा है। मॉर्निंग से 25-27% का ऑक्यूपेंसी रेट देखने को मिल रहा है और एंड ऑफ द डे तक, इवनिंग तक, नाइट तक ये ऑक्यूपेंसी रेट अराउंड 35-37% हो चुका होगा। जी हाँ दोस्तों, मूवी आज एंड ऑफ द डे तक 11 करोड़ का आंकड़ा अपने नाम करने में सफल होते दिख रही है और पहले 16 दिन में नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से 443 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस करते नजर आ रही है सिर्फ नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। और आज एंड ऑफ द डे तक केजीएफ 2 का हिंदी लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड को भी ये तोड़ देगी, खदेड़ देगी धुआंधार तरीके से। जी हां दोस्तों, इसी के साथ पूरी दुनिया से ये फिल्म आज 575 करोड़ के आंकड़े को अपने नाम करते नजर आएगी और बॉलीवुड सिनेमा की नंबर वन फिल्म बनेगी कम समय में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली। और आने वाले कुछ ही दिनों में सनी पाजी के करियर के बिगेस्ट ग्रॉसर मूवी बनकर उभरेगी ये मूवी, जो 600 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी अपने आने वाले 2-3 दिन में ही। और इस साल की जाइंट पठान को भी खदेड़ते नजर आएगी गदर 2 अपने आने वाले 5-7 दिन के अंदर ही। इसी के साथ बाहुबली, केजीएफ, दंगल, टाइगर जिंदा है, इन सभी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को गदर 2 अभी तक तोड़ चुकी है, खदेड़ चुकी है कम समय में बहुत तेजी से कमाई करने वाली फिल्म के मामले में। तो दोस्तों, मूवी अमेजिंगली ग्रो कर रही है नो डाउट, और जनता का प्यार सनी देओल के लिए अनकंडीशनल दिल से निकल रहा है। तो मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी, आप लोगों ने भी गदर 2 को देख लिया है अभी तक, और मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आप लोगों ने देख लिया है, तो फटाफट अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर करके जाना। और दूसरी चीज ये भी बता के जाना कि क्या गदर 2 600 करोड़ का आंकड़ा टच करने में सफल हो पाएगी, और अगर टच कर भी लिया तो क्या 800 करोड़ में के क्लब में ये मूवी एंट्री मार जाएगी। फटाफट कमेंट बॉक्स पर जरूर राय अपनी शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगले वीडियो में, जय हिंद।